ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे। वे अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। उस समय मामा कंस बाल कृष्ण को मारने का प्रयास करते रहते थे। एक बार कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उन्होंने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब भी कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की ये हालत देखी तो उन्हें पता चल गया कि ये किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, कान्हा तुमने गोहत्या की है जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा करना लगभग नामुमकिन था। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। नारद मुनि ने कहा, प्रभु आप सब तीर्थों को ये आदेश दो कि वे पानी के रूप में आपके पास आ जाएं, फिर आप उस पानी में स्नान कर लेना, इससे आपके ऊपर से गोहत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोद कर बनाया था। सभी तीर्थों का पानी बनाए गए कुंड में रख दिया और स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गोहत्या का पाप उतर गया। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरिता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है।